हेलो दोस्तों, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज की अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज में, फ्लूइड मैकेनिक्स में आज हम लोग बर्नौली थ्योरम्स के पिछली क्लास में बहुत सारी यूजेस वगैरह देख चुके थे। आज आने वाली क्लास में बेसिकली हम लोग बर्नौली थ्योरम्स का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन टॉरिसॉली जो था, जो टॉरिसॉली एक फिजिशियंस थे, उन्होंने जो टॉरिसॉली के बारे में बोला था, जो फ्लूइड किसी वेसल में अगर कहीं कोई हम होल कर देते हैं या कोई होल करने के बाद में उससे जो लिक्विड फ्लो आउट होता है बाहर की तरफ निकलता है, तो उसकी स्पीड वगैरह क्या होगी एंड उसके ऊपर जो किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आईआईटी पिछले कुछ सालों से पूछ रही है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का अनअकैडमी के मोमेंटम चैनल में स्वागत है। और मैं अपने आप को बता दूं, माय सेल्फ सक्षम राजपूत, आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। मैंने अपनी बीटेक जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आईआईटी बॉम्बे से किया है। लोग हमें इनिशियल्स एसआर सर के नाम से भी जानते हैं। मैं कुछ टाइम से कोटा पढ़ा भी रहा हूँ एंड अपनी प्रिपरेशन भी मैंने कोटा से ही की थी। तो आईआईटी में सिलेक्शन के लिए किन चीजों का, किन बातों का ध्यान रखना होता है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप कौन सा मटेरियल यानी कि किस बुक को या किस लेवल का मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होती हैं वो एक लेवल का मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराती हैं जस्ट फॉर मार्केटिंग, के हर एक बच्चे को समझ आए, तो वो मटेरियल का जो लेवल होता है वो बहुत आसान हो जाता है उनका, और उसकी वजह से कई बार बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली यानी कंफर्म करके बता देता हूं कि आपके लिए मटेरियल कौन सा है ये बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं पिछले 2 सालों से कोटा पढ़ा रहा हूं, मैंने बहुत सारे बच्चों के मन से एक ही चीज सुनी है कि सर कौन सी बुक लगानी चाहिए, कौन सा मटेरियल सॉल्व करना चाहिए, क्या हमारे रिलेवेंट है, फिजिक्स के लिए क्या करना चाहिए, मैथ्स में क्या होना चाहिए, ये सब बहुत जरूरी डिस्कशन होता है आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए। अकेला एक टॉपिक पढ़ना एंड उसके बारे में रिसर्च करना इतना इम्पोर्टेंट अकेला नहीं होता है। तो कुछ बातें हैं जो कुछ जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली लाइव आता हूं, आज संडे है तो आज ये प्रीमियर वीडियो है। मैं आप सभी लोग फ्लूइड मैकेनिक्स 2 to 3 PM में देखते हैं एंड सेंटर मास जो होता है वो 9 to 10 PM में आप लाइव देखते हैं। ये जो वीडियोस हैं इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 9 to 10 PM में देखते हैं आप एंड फ्लूइड मैकेनिक्स जो 2 to 3 PM में होता है इसके बारे में आप लाइव देख पाते हैं एंड सारी चीज़ों के साथ में आप डिस्कस भी कर सकते हैं कि सर ये वाला टॉप पार्ट है, ये समझ में नहीं आया, मैंने अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन में कुछ बुक्स वगैरह प्रेफर की थी, कुछ मटेरियल्स प्रेफर किए थे, लेकिन इन सबके अदर हैंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने उस सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस किया था कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है एंड ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इसमें क्या कर देना है और क्या नहीं करना है, ये कुछ पार्ट हैं जो हमें करने हैं और कॉन्सेप्चुअली हम इनको कैसे देखेंगे, ये कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, वंस अगेन आपका अनअकैडमी के मोमेंटम चैनल पर स्वागत है। आप इंडिया की टॉप मोस्ट एजुकेटर्स की टीम के साथ हैं, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको कोटा की भी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज से पढ़ने का भी मौका मिलने वाला है। आप अनअकैडमी के इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, आपको इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन नहीं लेनी है, आप बिल्कुल एकदम निस्फिक्र रहिए कि क्या है क्या नहीं है, हम आपके साथ में हर एक वो चीज़ जो आईआईटी के लिए जरूरी होती है, जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम पे क्या जरूरी था, ये कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है और करते रहेंगे, अपने अपकमिंग क्लासेस में भी करते रहेंगे। कोटा का जो मटेरियल है जहाँ से हर बार टॉप मोस्ट रैंक प्रोड्यूस होती है, लेवल का मटेरियल जो होता है वो बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों के डाउट्स जो होते हैं कि सर ये मटेरियल बहुत सिंपल है या बहुत आसान है या बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है, हमसे नहीं समझ में आती। फिजिक्स जनरली बहुत कम लोगों के ऐसे रिव्यूज होते हैं जिन्हें फिजिक्स में बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, जो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल सकते कि सर हमारी फिजिक्स बहुत अच्छी है और हमें फिजिक्स समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं अपने अनअकैडमी के चैनल पे हम लोग क्या क्या देते हैं। एक तो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स की टीम के साथ उनकी ही कुछ स्पेशल क्लासेस रहती हैं जो टॉपिक ओरिएंटेड रहती हैं, यानी कि पर्टिकुलरली आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं तो मान लो अगर कहीं आपका कोई टॉपिक छूट गया तो अब आपको वो क्लास दोबारा करने के लिए पूरे 2 साल की प्रिपरेशन में कभी नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने भी ऑफलाइन में प्रिपरेशन की थी क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं था, अगर ऑनलाइन होता तो मैं ऑनलाइन को
ज्यादा प्रेफर करता क्योंकि ऑनलाइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, आप इसकी रिकॉर्डेड वीडियो के साथ में मटेरियल भी सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ उस मटेरियल का 1-to-1 क्वेश्चन का इंटरेक्शन आपकी उसी फैकल्टी के साथ होगा जो फैकल्टी आपको क्लास ले रही है, जो आपकी लाइव सेशंस ले रही है। तो ये अनअकैडमी के कुछ फायदे हैं जो ऑफलाइन में नहीं अवेलेबल है। ऑफलाइन में बेसिकली आप जिस फैकल्टी से पढ़ते हैं, अगर आपने डिस्कशन वाली भी क्लास मिस कर दिया किसी कारण, बस आपने होमवर्क नहीं किया क्योंकि ओवरऑल आपको तीनों सब्जेक्ट में एकदम डेप्थ से पढ़ना होता है, तो अगर आप मैथ्स का होमवर्क करते रह गए, फिजिक्स छूट गया, फिजिक्स का करते रह गए तो केमिस्ट्री का छूट गया, तो अगर आपका छूट जाता है तो वो आपको दोबारा करने का कभी मौका नहीं मिलेगा, दैट विल बी अ पेंडिंग, ऑलवेज वो पेंडिंग वर्क में चला जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो छोटी छोटी बातें आईआईटी के में सिलेक्शन से दूर हटाती हैं। पढ़ना एक अलग बात है, सारी चीजों को कोप अप करके चलना एक अलग बात होती है। तो स्पेशल क्लासेस में आपको फायदा मिलेगा, साथ ही साथ डिस्कशन के साथ में आप अनअकैडमी के हर एक वीडियोस में आप देख सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को लगता है सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ऑफलाइन ज्यादा बेटर है, ऑनलाइन में ये फायदे नहीं है क्योंकि ऑनलाइन में लोग इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, फैकल्टीज के साथ बात नहीं कर सकते हैं, उससे डाउट नहीं पूछ सकते हैं, ये उनके सिर्फ मिथ है। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है दैट विल कम्स इनटू अ क्लासरूम लाइक, वो आपको फील ही क्लासरूम का देगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग एजुकेटर्स के साथ यानी कि मेरे साथ चैट कर सकते हैं, आप मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन अगर मैंने आपको लाइव क्लासेस में दिया है तो आप उसमें इंटरेक्टिव पोल्स जनरेट होगा, उसमें आप आंसर्स कर सकते हैं। आप अगर कहीं ए बी सी डी इन चार में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि ए कितने लोगों ने ए मार्क किया है, कितने लोगों ने बी मार्क किया, कितने लोगों ने सी मार्क किया, कितने लोगों ने डी मार्क किया, और इनमें से राइट आंसर कौन सा है और राइट आंसर में कितने लोग हैं। तो आप अपने आपको सेल्फ जज भी कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना था, कौन सा पार्ट हमें सॉल्व करना था। तो कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो करेंगे, जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंटली देखेंगे भी। तो इसी के साथ में अगर कहीं हम आपसे अगली आज की अपनी अगली क्लास के बारे में चर्चा करते हैं तो देखते हैं, इसी के साथ हम देखते हैं कि क्या करना है। आप अगले सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब आपको हर अपने घर छोड़ के कहीं बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिन बच्चों को आईआईटी जाना होता है उनके लिए बहुत पेनफुल प्रोसेस है। कुछ लोग होते हैं मानते हैं टेंथ के बाद में पेरेंट लोगों के गाइडेंस में रहते हैं तो उन्हें फाउंडेशन लगती है, वो खुद ही बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन यकीन मानिए आप जब आप टेंथ से इलेवेंथ जा रहे होंगे और आप अपने घर से दूर जा रहे होंगे तो आपको फर्स्ट मंथ में बहुत अच्छा लगेगा, आफ्टर फर्स्ट मंथ आपको ये फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगेगा और आप नहीं रह पाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने दूर कर दी है, अब आपको घर रह के ही आईआईटी की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। आप आईआईटी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है, आपके लिए एकदम ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आप कुछ जो चाहो पूछ सकते हो, जैसे चाहो आप पूछ सकते हो, आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब आप इस बात का ध्यान रखना, मे बी आप टेंथ से जब इलेवेंथ जा रहे हो तो आपको फ्रीडम के वजह से आप अपना घर छोड़ दें, आप कोटा जाके दिल्ली जाके या अपने रिस्पेक्टिव सिटी में जाके रहने लगे, उसका बस फर्स्ट मंथ आपको बहुत सही लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको वो बहुत हेक्टिक लगने लगेगा, आप उसका डायरेक्ट असर आपकी स्टडी पे आएगा और स्टडी पे असर आने की वजह से आपके चांसेस उतने ही डाउनफॉल डायरेक्शन में बढ़ने लगेंगे, आपका सिलेक्शन होने का चांस कम होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन की वजह से सिटी छोड़ना चाहते हैं, फाउंडेशन की वजह से घर छोड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आप इस बात पर जरूर एक बार सोचिएगा, आपको आपका राइट आंसर जरूर मिलेगा, आप इन सब चीजों पे ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी के प्लस चैनल एंड जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं अनअकैडमी का मोमेंटम चैनल, इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। बच्चों का डाउट आता है सर आप मोमेंटम पे, मैं आपके पिछले कुछ वीडियोस लगातार देख रहा हूँ, आप सारे टॉपिक्स को कवर कराते हैं, सारे टॉपिक्स पे डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं, देन हमें नीड ही क्या है प्लस चैनल लेने की। तो मैं आपको बताता हूँ, मोमेंटम पे मैं सारा कुछ डिस्कशन एज अ क्लासरूम करता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे मटेरियल्स को सॉल्व नहीं करते हैं, हम यहाँ पे टेस्ट पेपर्स नहीं करते हैं, हम यहाँ पे क्विजेस वगैरह नहीं करते हैं,
तो ये कुछ पार्ट हैं जो आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, इनका आप ध्यान रखना। इन सारी चीजों की वजह से अनअकैडमी का प्लस चैनल, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली आप यूट्यूब चैनल देख के सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम इन्वॉल्व करा रहे होंगे, आपको फील आ रहा होगा कि हाँ सर हम कर लेते हैं। और पढ़ने का सही तरीका होता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके हाथ में एक कॉपी होनी चाहिए, उसमें आप अपने टीचिंग नोट्स यानी कि जो हम बना रहे हैं उनको नोट करते जाओ, उनको सॉल्व करते जाओ। लाइव क्लास अगर आप देख रहे हैं तो आप बाद में ये काम करो वीडियो को 1.5x या स्पीड बढ़ाने के बाद, ताकि आपके पास में एक रिटन फॉर्म में चीजें रहे, क्योंकि वीडियो देखते टाइम आप जब रिविजन कर रहे हो तो आप ये सारी वीडियोज नहीं देख पाएंगे, आपके पास में रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम होगा, आपकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हमें कैसे रिवीजन करना है, कैसे टीचिंग नोट्स को हमें मेंटेन करना है, कैसे अपने नोट्स बनाने हैं, ये बहुत जरूरी है। और जो जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके आप बाद में उस वीडियो को रिवाइव करके देखें, उनको नोट करते जाएं, उनको खुद से सॉल्व करें, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको देंगे। और अनअकैडमी के प्लस चैनल में हम आपको इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जो मटेरियल मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया था, जिसके साथ मैं ट्वेल्थ के साथ ही आईआईटी बॉम्बे तक का सफ़र तय किया है। आईआईटी बॉम्बे जो हर किसी एस्पिरेंट्स का, हर किसी आईआईटी एस्पिरेंट्स का एक ड्रीम होता है, और वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या सीएससी लेना, इन दोनों डिपार्टमेंट को लेना एक सबका सपना होता है, तो वो कैसे पूरा करेंगे ये हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ध्यान रखना, खुश रहने से ज्यादा अच्छा है कि आप उस पर काम करना सीखो। तो कुछ सब्सक्रिप्शन की भी बातें कर लेते हैं, ये तीन सब्सक्रिप्शन है मैं बोलूंगा इसको अवॉइड करिएगा, क्यों, अगर कहीं आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने टाइम ड्यूरेशन में आप आईआईटी नहीं जा सकते। अगर हाँ आपका फोकस ही 2020 मेंस या एडवांस है तो आप 6 मंथ का ले सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई हो तो आप इसका ले सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंगली अपने कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा 9th 10th 11th या 12th में इस साल है जो पढ़ रहा है, इसके 11th से आने के बाद जो 12th में इस साल पढ़ेगा, उनके लिए ये कोर्सेस एकदम रेलेवेंट नहीं, उनके लिए सबसे अच्छा कोर्स है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2500 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, जो कि ओवरऑल 30,000 पर मंथ हो जाएगा, यानी बेसिकली आपको एक कोड यूज करना होगा RAJLIV, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी यही अब आपको 27,000 में अवेलेबल होगा। ये 27,000 अगर हम आपसे बोले तो ये बहुत कम है, यानी 2500 पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। इतनी कम अमाउंट में आप आईआईटी के लिए तीनों, नॉट इवन दिस कोर्स माय, कि आप सिर्फ मेरा कोर्स पढ़ेंगे, आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, अगर बायो वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बायो भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतनी सी ही अमाउंट में आपको सारी चीजें एक साथ करने के लिए मिलेंगी, आपको इस बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको कोड के बारे में भी बता दिया कि इस कोड को यूज करते ही साथ में आपको 27,000 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर कहीं आप 9th 10th and 11th के स्टूडेंट हैं, 11th में भी पर्टिकुलर स्ट्रीम जिसका 11th प्रिपरेशन किया है ऑफलाइन में, लेकिन उनका 11th एकदम खत्म है, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो उनके लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो टारगेट ही कर चुके हैं अपना, थर्ड रिपीट करेंगे वो, और रिपीट करने वाले ऐसे बच्चों के लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमिक है। 2000 पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना है, यानी 48,000 ओवरऑल 2 साल का हुआ। इसमें भी अगर आप एक कोड यूज कर लेते हैं RAJLIV, इस कोड के साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 4800 का डिस्काउंट मिलेगा, और वही आपको 4300 इतने रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। 9th 10th के लिए क्यों ये फ्रूटफुल है, क्योंकि उन्होंने, जिन बच्चों ने सोच लिया कि सर मैं अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से ही करने वाला हूँ या आईआईटी दिल्ली से ही करने वाला हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ आईआईटी ही जाना है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप आईआईटी के लिए, यानी ऐसे बच्चों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, और आप अपने वीडियोज़ को या अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से कोप अप करें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे चीजों को करना है और कैसे, कितनी इंपॉर्टेंट है ये बातें। चलिए, तो इसी के साथ में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी आज की लेक्चर सीरीज में। आप ये कोड यूज करेंगे RAJLIV, इस कोड के यूज करते ही साथ में आपको इस कोड को यूज करते ही साथ में आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अब हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। अगर कहीं आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो फोन उठाइए, अनअकैडमी, आप अभी अनअकैडमी स्टूडियोज के मोमेंटम को देख रहे हैं, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, देखिए उसकी रेटिंग हाईएस्ट है, आप कोर्स सेलेक्ट करिए IIT JEE, और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में
आप पेमेंट पर जाइए, पेमेंट पे आप यहाँ पे ड्यूरेशन डालिए, 1 year 2 year 1 month 6 month whatever यू हैव टू बॉन्ड, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालिए। बट मैं तो यही बोलूंगा कि 1 year या 2 year का ही सब्सक्रिप्शन लेना, क्यों? क्योंकि रिन्यूअल पॉलिसी नहीं है। आपने जो ले लिया अगर वो सब्सक्रिप्शन खत्म होता है तो नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के लिए आपको सेम अमाउंट जो अभी आप फर्स्ट टाइम पे करेंगे वही होगा। ऐसा नहीं है 1 year ले लिया, 2 दिन बाद अच्छा लगा तो उसको ही मर्ज करा दो, ऐसी पॉलिसी नहीं है। और अगर कहीं आप एक कोड यूज करते हैं RAJLIV, इस कोड के साथ में ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उस 10% के डिस्काउंट इंस्टेंट मिलेगा। ये आपको नॉट अ रिफंड पॉलिसी, ये इंस्टेंट डिस्काउंट होगा। तो इस सब के साथ मैं अपनी आज की इम्पोर्टेंट क्लास जो है हमारी, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है और जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसको देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पहले क्या पढ़ा और आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की चेन में आज की लेक्चर सीरीज को आगे देख रहे हैं, जो कि आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पिछले साल के पेपर या इवन अभी जो पेपर मेंस और एडवांस के हो रहे हैं उनको देखेंगे तो आपको फील आ जाएगी कि हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आईआईटी के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्नौली थ्योरम्स के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आप देखोगे वर्नौली थ्योरम के बारे में देख रहे थे, वर्नौली थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए। वेंचुरी मीटर ट्यूब पढ़ा, वेंचुरी मीटर ट्यूब में हमने लिक्विड का फ्लो देखा कि लिक्विड का फ्लो कैसे देखते हैं, लिक्विड का फ्लो जो होता है उसकी वेलोसिटी देखी कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इन सभी के साथ में हम लोगों ने एक और खास बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेंचुरी एप्लीकेशंस देखे, वेंचुरी मीटर्स ट्यूब, लिक्विड का फ्लो देखा, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्नौली थ्योरम्स कैसे लगाएंगे, और साथ ही साथ एक हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आज के लेक्चर्स में हम लोग कैरी करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अगर कोई वेसल है इसमें अगर होल कर दें इसके किसी पॉइंट पर, इसमें एक फ्लूड भरा है, फ्लूड भर दिया जिसकी डेंसिटी हमें पता है रो, और ये हाइट किस हाइट तक भरा है ये तो हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर सकते हैं। तो इससे जो लिक्विड कमिंग आउट आ रहा होगा इसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने, इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड जो बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें पता ही होगी, तो स्पीड की जो वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड कितना होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वर्नौली थ्योरम से हम लोगों ने डिटेल्स में देखा है, वर्नौली थ्योरम से कैलकुलेट करना सीखा है कि कैसे हम इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ये हम पिछली क्लास तक देख के आए, हमें इस पॉइंट से स्टार्ट करना है क्लास। और जिन लोगों ने वर्नौली की लेक्चर सीरीज को नहीं देखा है वो एक बार जरूर पीछे जाएं और इस लेक्चर सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वर्नौली आईआईटी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वर्नौली थ्योरम्स के यूजेस या वर्नौली थ्योरम्स को कैसे लगाना है, कैसे वर्नौली थ्योरम्स को इस्तेमाल करना है, ये कुछ पॉइंट हैं जो हम लोगों को करने हैं। तो चलिए आज की लेक्चर सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है। एक हमारे पास में वेसल है, इसके बॉटम में हमने एक होल कर दिया, यहां पे हमने एक फ्लूड भर दिया, ये हमने एक फ्लूड भर दिया, फ्लूड की डेंसिटी रो है एंड इसकी जो हाइट है वो एच मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी रो मान लेते हैं। ये खुला है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर एक प्रेशर है यहाँ पे, यानी ये एटमॉस्फेयर है तो यहाँ इस पॉइंट पर प्रेशर भी हो गया, यहाँ ये होल हो गया, तो इससे जो लिक्विड बाहर आ रहा होगा वो स्पीड बता दो कि कितनी होगी, ये हमारा सबसे पहला एम है। तो हमारे पास में दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट कौन से ये बता देते हैं। इसका जो सरफेस एरिया है हम लोग यहाँ पे कैपिटल ए मान लेते हैं, और जो होल किया वो बहुत स्मॉल है इसको ए मान लेते हैं स्मॉल, यानी क्लियरली हम एक चीज बोलेंगे कि सरफेस एरिया यानी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वेसल का है वो बहुत ज्यादा है रिलेटिव टू होल के एरिया से, यानी होल जैसा पिंच बहुत छोटा सा है। इसके अपने फायदे होंगे क्योंकि ये कंडीशन मानते ही साथ में हम कह सकते हैं कि जो लेवल होगा लिक्विड का, लेवल ऑफ द लिक्विड इन वेसल या इन कंटेनर वो बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं होगा, दैट विल बी अ कांस्टेंट, या उसकी वेलोसिटी जो होगी लेवल ऑफ द कंटेनर इज सिग्निफिकेंटली कांस्टेंट, यानी बहुत स्लोली स्लोली ये जा रहा होगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा इस लेवल को कम होने में। तो वेलोसिटी ऑफ दिस लेवल यानी इस पॉइंट को हम वी मान ले ए मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, और इस पॉइंट को हम बी पॉइंट मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो सपोज किया है हमने, यहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट मानी है, इतनी ज्यादा नहीं मानी है। इसको क्यों माना है, कैसे माना है, ये भी हम देख लेंगे। हम दो तरीके से इसको करेंगे, एक मेथड वन एंड मेथड टू। मेथड वन ये है, तो हमने दो पॉइंट माने ए एंड बी,
हमने दो पॉइंट माने, तो हमने इन दोनों पॉइंट पे वर्णोली लगाना चालू की। क्यों? हमने कंटिन्यूटी से ये बता दिया, हमें इसकी स्पीड बतानी, तो वर्णोली एट ए एंड बी लगाई। तो ए पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी, प्रेशर की एनर्जी कितनी होगी, पी नॉट प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच। क्योंकि इस वाले लेवल पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मान लें, तो इससे ऊपर गए हम तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी, तो वही होगी। दिस विल इक्वल टू, अगर हम इस पॉइंट की बात करें वी पॉइंट की, वी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पी नॉट। क्यों? क्योंकि दिस विल ऑल्सो बी ओपन इन टू एटमोस्फियर। अगर ये भी एटमोस्फियर में ओपन है तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट प्लस हाफ रो वी वी स्क्वायर प्लस रो जी इंटू एच की वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये वाली वैल्यू को आप देख पा रहे होंगे वी ए की वैल्यू हमें क्लियरली जीरो है, तो दिस विल ऑल्सो बी एट जीरो। तो हमारे हिसाब से क्लियरली क्या आ गया, हाफ रो वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच के बराबर, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू जी एच के बराबर। और इसी के साथ में हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगी होल से जो बाहर आ रहा होगा फ्लूइड, उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, रूट टू जी एच के बराबर। ये पॉइंट हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन हम इस पे आज डिटेल्स में देखेंगे। ये मेथड वन हम लोगों ने किन किन पॉइंट पे लगाया, एक सरफेस पे एक पॉइंट मान लिया और एक यहाँ पॉइंट मान लिया, इन दो पॉइंट पे हमने इक्वेशन लगाई, तो हमारी जो स्पीड या स्पीड ऑफ द कमिंग आउट फ्लूड होगी वो कितनी हो जाएगी, रूट टू जी एच। और हमने पिछली क्लास में ये भी बोला था कि अगर किसी लिक्विड को एच हाइट से या किसी पार्टिकल को एच हाइट से गिराते हैं तो उसके ड्रॉप करते हैं, ध्यान रखना क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉप करते हैं, तो उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, रूट टू जी एच, रूट टू जी एच। अगर एच हाइट वो नीचे आता है तो फ्री फॉल में जो स्पीड अटेन होती है वो कितने के बराबर होगी, रूट टू जी एच। सेम चीज यहाँ पे कि इस पार्टिकल को फ्री फॉल के जैसा गिराया है, तो यहाँ पे जो स्पीड अचीव हुई इसकी वो कितनी हुई, रूट टू जी एच के बराबर, यानी जो वेलोसिटी आ गई यहाँ पे कितनी आ गई, रूट टू जी एच। ये टॉरिसेली ने बोला था और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम दी थी, इसके अपने अलग फायदे। लेकिन अगर कहीं हम आपसे बोलें कि इसको सर दूसरे मेथड से देख लो थोड़ा सा, तो दूसरे मेथड से देखते हैं। एक पॉइंट हमने यहां मार्क किया और एक पॉइंट हमने यहां मार्क किया, ये हमारा लेवल था जो हमने वर्ड दिया है, ये एच हाइट है। अब हमने क्लियरली बोल दिया लिक्विड के हर एक जो भी लिक्विड इसमें भरा है उसका फ्लूड का जो पार्टिकल्स है उसकी स्पीड जीरो होगी, बस केवल इस पॉइंट की स्पीड जो होगी वो वी होगी। इसको हम लोगों ने एक ए पॉइंट बोल दिया और इसको बी पॉइंट बोल दिया। तो इन दोनों पॉइंट में हम वर्णौली लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट जीरो हो गई। वर्णौली कैसे लगाएंगे, प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस जीरो, रेफरेंस लेवल दोनों का सेम है तो हम इसको जीरो मान लेते हैं, एंड प्रेशर एट बी यानी पी नॉट प्लस पी नॉट हाफ रो वी स्क्वायर प्लस जीरो, ये आ गया। और क्लियरली हमें पता है कि पी ए की जो वैल्यू होगी वो हमारे हिसाब से पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर होगी, तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस जीरो इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा और अगेन हमारे हिसाब से वी की जो वैल्यू आ गई सॉल्व करके वो किसके बराबर आ गई, रूट टू जी। तो हमने बोला कि आप किसी भी पॉइंट को अज्यूम कर सकते हो, कोई भी दो पॉइंट आपको मार्क करने हैं, उन दो पॉइंट को मार्क करते ही साथ में आपको उन दोनों पॉइंट पर वर्णौली लगानी, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्योंकि अब इसके बाद जो मजे वाली बात आने वाली है, जो एकदम मजेदार बात निकल के आने वाली है, वो भी हम आपको बताते हैं कि उसके लिए हम क्या बोलेंगे और कैसे आप लोगों ने इमेजिन किया होगा, ये भी हम आपको क्लियरली बोल सकते हैं। वो कैसे बताना है ये भी हम आपसे देख लेते हैं। तो हम लोगों ने स्पीड देख ली, अगर किसी होल से अगर कहीं बाहर आ रहा होगा लिक्विड तो वो किस स्पीड से बाहर आ रहा होगा ये हमने देख लिया। तो अगर कहीं हम आपसे बोले एक कंटेनर है और इसमें होल हमने कुछ यहां कर दिया, इसमें लिक्विड हमारा यहां भरा हुआ था, ये पूरी हाइट हमारी कैपिटल एच है और हमारा जो लिक्विड भरा हुआ था ये पूरा लिक्विड फ्लूइड से भरा हुआ था और ये जो हाइट है वो स्मॉल एच है। तो हमें बताना है कि यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा होगा ये हमारा जमीन पे रखा हुआ है, तो हमारा जो फ्लूड निकल रहा होगा वो कुछ ऐसे ऐसे जाके जमीन पे यहाँ कुछ स्ट्राइक कर रहा होगा, तो कंटेनर के बेस से वो कितनी डिस्टेंस पर स्ट्राइक करेगा ये निकालना है। तो देख ले समझ में आया, ये हमने प्रोजेक्टाइल को इन्वॉल्व करा दिया, पूरी के तरीके से प्रोजेक्टाइल को इन्वॉल्व करा है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते थे, एक क्लिफ होती थी जहां से हम खड़े होकर एक पत्थर को थ्रो करते थे हॉरिजॉन्टली, तो वो कितने दूर जाके गिरता था उस क्लिफ के बेस से, ये हमें कैलकुलेट करते हुए पूछा जाता था अपने पिछले अपकमिंग क्लासेस वगैरह में, ये हम लोगों ने डिटेल्स में देखा भी। लेकिन अगर कहीं हम आपसे एक बात की चर्चा करें कि इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लेते हैं ये वाली हाइट कितनी बचेगी, h माइनस स्मॉल h, ये बचेगी।
तो अगर कहीं ये लिक्विड है रो, हमें पता है कि अगर कहीं कोई लिक्विड की सरफेस से हमने छेद जो होल किया है वो कितनी हाइट नीचे किया है, इतने, तो यहाँ पे जो स्पीड आने वाली है वी, वो अभी टॉरिस वाली थ्योरम की वजह से कितनी आने वाली है, रूट टू एच के बराबर। ये सबसे पहला पॉइंट है जो हम अभी पिछली क्वेश्चंस में ऑलरेडी करते हुए आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम लोगों ने कर दिया कि इसकी स्पीड जो होगी ये होगी। तो अब अपना सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया कि हमें कितनी हाइट बची इसकी, इस पॉइंट से एक एच माइनस स्मॉल एच हाइट से एक पत्थर थ्रो किया, पत्थर थ्रो किया जिसकी स्पीड कितनी है, रूट टू जी एच के बराबर, तो वो किस स्लिप से कितने दूर जाके गिरेगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ये हम लोगों ने कर रखा है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने सीखा है। तो इसमें खास ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं, सब कुछ डिटेल्स में देख भी चुके हैं कि कैसे हम लोगों को इसको करना है। तो क्वेश्चन को हम लोग कुछ ऐसे बना लेते हैं, हमारा क्वेश्चन ये हुए, अब आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे कि क्या है। ये हमारी जो हाइट है वो h माइनस कैपिटल h माइनस स्मॉल h है, यहाँ से एक लिक्विड जो है वो कमिंग आउट आ रहा है, वो किस स्पीड से जा रहा है, रूट टू जी एच से, तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये यहाँ से कुछ यहाँ गिरेगा, तो ये कितनी डिस्टेंस हुई r, तो r बराबर हमारा क्या होगा, वेलोसिटी, इसको v मान लेते हैं, वेलोसिटी इनटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इसकी जो स्पीड होगी वो यही होगी। तो टाइम कितना लगेगा इस पार्टिकल को नीचे तक आने में, टाइम कितना लगेगा, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये यहाँ पे टकरा ना जाए, यहाँ पे स्ट्राइक ना कर जाए। तो टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इक्वेशन लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये इक्वेशन लगानी है, लेकिन S हमारा, इसको हमने अगर रेफरेंस माना तो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम माइनस मान लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग प्लस मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करना आसान होगा। तो S की वैल्यू कितनी होगी, माइनस H माइनस स्मॉल H इज इक्वल टू U, UT वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ G की वैल्यू माइनस G देखेंगे क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा नीचे की तरफ है, ये आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 इंटू एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाई जी का रूट इज इक्वल टू टी। तो हमें इतना टाइम लगेगा इस लिक्विड को या इस फ्लूड को या इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक स्ट्राइक करने में, तो हमारी जो रेंज आ जाएगी यानी कि वो जो स्ट्राइक करेगा वो कितना होगा, रूट टू जी एच इंटू रूट ओवर 2 इंटू एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, h इंटू स्मॉल h माइनस कैपिटल h, ये हमारी रेंज आ जाएगी, जो कि बेसिकली आपको पता लग गया होगा कि ये इतने दूर जाके स्ट्राइक करेगा, मतलब कि हमें होल कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हम निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे हमारी जो रेंज आई है वो कितनी आई है, 2 रूट स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर, ये हमारी रेंज आई है। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, यानी कि एच को हम किस हाइट पे, कितनी दूरी पे अगर हम उसको होल को करें तो ये मैक्सिमम कैसे होगा। तो सबको पता है ये क्वाड्रेटिक बनी है इस रूट के अंदर, तो रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक बनी है उसको हम कैसे करेंगे, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एच स्क्वायर बाई 4 माइनस कॉमन ले लिया, तो एच माइनस एच बाई 2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा हमारा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो यही बनेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस एच स्मॉल एच इनटू कैपिटल एच इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच कैपिटल एच प्लस एच स्क्वायर बाई 4 ऐड किया एंड एच स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा कितना आ गया, एच स्क्वायर बाई 4, और ये हमारा कितना आ गया, माइनस एच माइनस कैपिटल एच बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 4, तो इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो ये आ गया। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इसमें से कम घटे, कम से कम घटने का वाला एच इक्वल टू कितना आ जाए, स्मॉल एच बाई 2 पे, तो हमारी जो आर की मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 इंटू रूट एच स्क्वायर बाई 4 यानी कि कैपिटल एच के बराबर। अगर कहीं हम इस होल को, हमने बहुत एडवांस चीज बता दी है थोड़ी सी, हमने क्या बोला है कि अगर कहीं इस वेसल में होल किस हाइट पर कर दिया जाए ताकि ये रेंज की वैल्यू जो है मैक्सिमम क्या होगा ना, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए प्रोजेक्टाइल में, मैक्सिमम रेंज बताओ, मैक्सिमम हाइट बता दो, कितनी गेन करेगा, किस एंगल से फेंकें, क्या करना चाहिए, ये बताया था। तो हमें अगर कहीं इसको हाफ में कर दें किसी वेसल के एच बाई 2 पे अगर वो होल कर दें तो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच के बराबर, वो किसके बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी, वो निकल के आ जाएगी अपने आप मैक्सिमम के बराबर आ जाएगी। तो ये एच की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी कैलकुलेशन डिटेल्स में की है, और ये इसको मैक्सिमाइज कराना दो तरीके कर सकते हैं, हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के कर दिया, आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि dr अपॉन dh इज इक्वल टू 0 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये भी कर सकते हो। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम बता देते हैं आपको, dr / dh भी बता देते हैं, 2 टाइम्स sh h स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर / 4
इज इक्वल टू एच स्मॉल एच माइनस एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। और हमें इसी चीज को मैक्सिमाइज कराना है तो इसको हम ई मान लेते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो क्लियरली हम क्या करेंगे, डी ई अपॉन डी एच। ये मेथड टू है मैक्सिमाइज कराने के लिए, आप सभी को आसान हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल एच माइनस टू स्मॉल एच इज इक्वल टू, इसको जीरो करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच बाई टू। तो ये भी हमने यही निकाला है कि अगर एच बाई टू पे हम होल्ड कर देंगे तो एच बाई टू पे अगर हम होल्ड कर देंगे तो हमारी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी आ जाएगी, कैपिटल एच के बराबर। और ये भी चीज हम लोगों ने यहीं पर देखी है कि अगर कहीं हम होल्ड को कैपिटल एच बाई टू पर कर दें तो हमारी जो रेंज आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम वो किसके बराबर होगी, कैपिटल एच के बराबर। तो कुछ पार्ट है जो इंपॉर्टेंट थे हमने आपको यहाँ पे बता दिया, मैक्सिमम रेंज कैसे अटेंड कर सकते हैं, ये आईआईटी का एनालिसिस है जो हमें पूछा जा सकता है कैसे हम लोग करेंगे। बेसिकली आईआईटी इन सारे एनालिसिस को कंप्लीट एनालिसिस, किसी क्वेश्चन को करना आईआईटी में सिलेक्शन अकेला ले पाना जरूरी नहीं है। आपको सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपको कुछ चीजों का बहुत माइन्यूट तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे हम लोग ये चीजें करेंगे। अब इसी में देखो दो चीजें हो सकती हैं, अगर कहीं हमने यही हमारा वेसल है, अभी हमने क्या किया था, होल यहाँ किया था कि ये हमारा लिक्विड सरफेस है, यहाँ से किसने हाइट पे किया था, एच हाइट पे। लेकिन अगर कहीं हम बॉटम से भी एच हाइट पर होल करते हैं तो इनकी जो रेंज आती है वो क्या आती है, सेम आती है। क्यों आएगी, आप इसको चाहो तो एक ट्राई कर सकते हो, निकालोगे तो दो होल किए हैं हमने एक बार वर्टिकल से, और पूरी हाइट हमारी अगर कैपिटल एच है तो ये मान लेते हैं, तो एक बार लेवल से यानी लिक्विड सरफेस से एच हाइट पे और एक बार बॉटम से एच हाइट पे हमें होल करना है। और होल करने के बाद में जो हमने होल किए हैं उन दोनों होल के वजह से जो स्ट्राइक पॉइंट आया वहां पे हमारा जो लिक्विड गिरा है, यानी जो लिक्विड हमारा यहाँ पे आके फॉल आउट हुआ है, उसकी वजह से जो ये रेंज आएगी सेम आएगी। तो हम किसी भी वेसल या कंटेनर में दो पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे होल अगर कहीं वो छेद कर दें तो हमारी जो रेंज आने वाली है वो कितनी आने वाली है, सेम आने वाली है। यानी इन दोनों में चाहे वो सरफेस से करें या बॉटम से करें तो जो हमारी रेंज की वैल्यू होगी वो होगी स्मॉल कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू एच स्क्वायर, इसी के बराबर आएगी। ये आपका पहला पॉइंट है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात जो आज हम लोगों ने सीखी वो इम्पॉर्टेंट है, कितना टाइम हमें लगेगा इस लिक्विड को यहाँ से यहाँ तक गिरने में, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। रेंज इन बोथ केसेस, चाहे होल नंबर वन एंड होल नंबर टू, इन दोनों की वजह से तो जो रेंज आएगी वो सेम आएगी। मतलब कि अगर कहीं आप किसी लिक्विड में एक मीटर तक, वन मीटर तक अगर कोई फ्लूड भरा है तो हमने अगर 10 सेंटीमीटर सरफेस से होल किया या फिर बॉटम से 10 सेंटीमीटर पे एक होल कर दें तो दोनों ही सेम पॉइंट पर स्ट्राइक करेंगे, ये कैलकुलेशन करके आता है, ये हमारा पॉइंट है। आप इसको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो बड़ी इजीली, अगर नहीं होगा तो हम आपसे इसको अगले, आप जैसा भी कमेंट करेंगे उस कमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसका पूरा कंप्लीट सलूशन दे दूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन की तो आपको पता होना चाहिए, हम आपको हिंट दे देते हैं, इसकी वजह से जो वेलोसिटी होगी वो रूट टू जी एच होगी बाहर आने के लिए, इधर जो वेलोसिटी होगी वो रूट टू जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होगी, ये दो पॉइंट की जो वेलोसिटीज आ जाएंगी हमारी, इसकी वजह से आप टाइम निकल के आएगा, इसके वजह से जो टाइम आएगा निकल के वो भी हमें निकालना है, वो टाइम हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं। टाइम के लिए भी हमें पता है रूट टू जी एच वाई, ये इसके लिए आ जाएगा नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए जो टाइम आएगा वो हम लोग निकाल ही चुके हैं, टू एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी, इसके लिए भी निकाल सकते हैं, इसके लिए भी निकाल सकते हैं। इन दोनों टाइम इंटू वेलोसिटी करेंगे तो हमारी रेंज यही आने वाली है, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो कि कैसे क्या करना था। अब एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है, जैसे कि उसके लिए हम बता देते हैं आपको वो फेवरेट क्वेश्चन है क्या और कैसे निकालना है। मान लेते हैं कि अगर इसकी हाइट y है तो यहाँ से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो उसकी हाइट वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट टू बी वाई, तो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड ये कमिंग आउट आ रहा है, ये हमारा निकल गया। लेकिन यहाँ की वेलोसिटी अब मान लेते हैं रियलिटी में इसका भी तो लेवल कम हो रहा होगा तो इसकी भी कुछ स्पीड होगी, बी डैश होगी कि नहीं, इसका अगर सरफेस एरिया ए है तो इसका एरिया स्मॉल ए है, तो हमें क्लियरली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से हम कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या कॉन्टिन्यूटी थ्योरम से स्मॉल ए इंटू वी डैश इक्वल टू स्मॉल ए इंटू वी, ये हम लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना जिस रेट ऑफ वॉल्यूम से इसका लेवल कम हो रहा होगा उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम से इसका लिक्विड बाहर निकल रहा होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों कर रहे हैं हम, अभी 10 सेकंड के अंदर आपको ये फील आने वाली है कि हमने यही सब पार्ट क्यों किया,
और इसकी क्या नीड है। तो ध्यान रखना, हमने क्या बोला कि अगर आप VDS स्पीड से इसका लेवल कम हो रहा होगा तो बेसिकली VDS होगा क्या, माइनस dy अपॉन dt के बराबर। क्यों? क्योंकि लेवल हमारा कम हो रहा होगा तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट यानी जो इसकी हाइट में चेंज आ रहा होगा वही तो वेलोसिटी होगी, यानी वही तो इस फ्लूड की वेलोसिटी आने वाली है। तो इसी के साथ में अब हम लोगों ने ये देखा, अब हम अपना ये हमें गिवेन है, स्मॉल a और कैपिटल a गिवेन है, हमने इसको लिया माइनस dy अपॉन dt इज इक्वल टू स्मॉल a इनटू वेलोसिटी कितनी है रूट टू vy के बराबर। तो ये इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, यहाँ से हम बता सकते हैं कि कितने टाइम में कंटेनर खाली हो जाएगा, कितने टाइम में कंटेनर हाफ हो जाएगा, कितने टाइम में कंटेनर की हाइट इतनी चेंज हो जाएगी, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस dy अपॉन dt इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल a इनटू रूट टू gy, तो माइनस dy अपॉन रूट y इज इक्वल टू स्मॉल a इनटू कैपिटल a इनटू dt, dy अपॉन रूट y इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस a अपॉन कैपिटल a इनटू dt। ये कुछ पार्ट हैं जो हमारे निकल के आए, ये ऐसे आ गया। अब ये जो डिफरेंशियल बनी है इसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि रूट वाई यानी वाई की पावर माइनस हाफ इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू डी टी, ये हमारी इंटीग्रल। अगर कहीं जब हमारा टाइम जीरो था तब हमारी हाइट कैपिटल एच तक भरा हुआ है, मान लेते हैं किसी टाइम पे टी हो गया तो हमारी हाइट कुछ एच हो गई, अगर मान लो पूरा खाली करना है तो ये भी वो देख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रल हमें पता है कितना होगा, वाई की पावर हाफ, वाई की पावर हाफ अपॉन हाफ यानी टू टाइम्स रूट वाई और लिमिट हो गई कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू माइनस ए वाई कैपिटल ए इंटू टी। तो हमारा जो टाइम आ गया, टाइम हमारा कितना आ गया, माइनस कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू टू हमने बाहर ले लिया, टू को बाहर ले लिया तो कितना आ जाएगा, रूट एच माइनस रूट कैपिटल एच, यानी कि टाइम की वैल्यू जो आ गई वो टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू रूट एच माइनस स्मॉल एच। तो इसके बेसिस पे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, कितने टाइम में कंटेनर खाली होगा, कितने टाइम में कंटेनर वन फोर्थ हो जाएगा, कितने टाइम में क्या होगा। तो इम्पॉर्टेंट है ये डिफरेंशियल क्या लाना, और देखो क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट ही था कि ये डिफरेंशियल हम लोग लाए कैसे। तो ये डिफरेंशियल लाने में सबसे बड़ा रोल कंटिन्यूटी इक्वेशन का है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद ये जो VDS यानी जो सरफेस की जो स्पीड होगी उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो सरफेस की होगी वो किसके बराबर होगी, सरफेस की वेलोसिटी के बराबर। ये आपको समझ आना चाहिए हमने कैसे लिखा, क्योंकि ये पार्ट आपको आईआईटी, अगर आपने ये आईआईटी में पॉइंट लिख दिया तो आपका क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता है कि आपसे सॉल्व ना हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे क्वेश्चंस आईआईटी पूछती रहती है, और ये आईआईटी में एक डिफरेंशियल है, ये थोड़ा सा अब लेवल है, मेंस से ऊपर लेवल है, लोगों को बहुत टफ लगती है ये प्रोफाइल, लेकिन ऐसी कोई इसमें खास टफनेस वाली बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन इसी में हम आगे बढ़ा देते हैं, इसी में हम क्या कर देते हैं कि कंटेनर है, कंटेनर के में हमने होल कर दिया, ये कंटेनर कैपिटल एच हाइट तक भरा हुआ है, तो हमें एक T1 टाइम जो कि फर्स्ट हाफ खाली में होने में लगा है, फर्स्ट हाफ खाली होने में लगा है, एंड T2 जो है वो लास्ट हाफ खाली होने में लगा है, तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, यानी T1 अपॉन T2। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि पहला हाफ खाली होने में जो कंटेनर में जो टाइम लगा होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, और लास्ट हाफ खाली होने में जो टाइम लगा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो हमने T की वैल्यू क्या निकाली है, 2 कैपिटल A अपॉन स्मॉल A इनटू रूट कैपिटल H माइनस स्मॉल H, ये हमारा एक्सप्रेशन आया था। अगर हम आपसे बोलें कि जो H की जो वैल्यू है वो h/2 हो जाए, कितनी हो जाए, h/2 हो जाए, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई स्मॉल a इंटू रूट h माइनस रूट h/2 के बराबर। दिस विल इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, रूट एच कॉमन आ जाएगा हमारे हिसाब से, इंटू 2a अपॉन स्मॉल a इंटू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इसके बराबर, यानी t1 की वैल्यू ये होगी, That will be a T1, क्यों, क्योंकि H की वैल्यू कितनी हो गई, h/2 के बराबर। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है जिसको लोग गलत कर देते हैं, ये क्वेश्चन समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला कि ये T का जो एक्सप्रेशन है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, हमने क्या किया, H की वैल्यू h/2 डाल दी, तो हमारा फर्स्ट हाफ खाली होने में जो टाइम लगेगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन
अगर कहीं हम इसी में लास्ट हाफ कैलकुलेट करने की बात करें तो टी टू की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, अब हमारे हिसाब से यहाँ पे एच बाई टू होगा और यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि अब कंटेनर में सिर्फ लिक्विड एच बाई टू हाइट तक भरा हुआ है और उसकी वजह से उसको जीरो होने में कितना टाइम लगेगा टी टू। तो ये जो एच है यहाँ पे हम लोग कौन सा लेते थे, हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द बॉटम टू द सर्फेस, ये वाला पार्ट लेते थे। तो टी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू ए अपॉन स्मॉल ए इंटू रूट टू ए रूट एच बाई टू माइनस जीरो, ये लेंगे तो हमारे हिसाब से कितना आ जाएगा, टू ए रूट एच डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू ए, ये टी टू आ गया। तो टी वन अपॉन टी टू की जो वैल्यू आएगी, रूट टू ए अपॉन ए, रूट टू ए अपॉन ए से कैंसिल हो जाएगा, रूट एच भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ रूट टू माइनस वन आपका सॉल्व करके आएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी रूट फोर वन फोर, यानी इतने टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा उसको खाली होने में। और क्लियरली हमें पता भी है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाए घटता जाएगा, हमारी ये लिक्विड के जो बाहर आने की स्पीड है वो कम होती जाएगी, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस हाइट के। तो अगर कहीं लिक्विड का लेवल कम हो रहा है तो ये हाइट भी चेंज होगी, जिसकी वजह से आंसर्स में फ्लो आएगा, यानी आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो रूट 414 के बराबर सॉल्व होके आ गया। तो ये हमारी आज का क्लास का बेसिक थीम था, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट लेक्चर लेंगे। इसके बाद में हम लोग सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी वगैरह पे आएंगे, वो सारी चीजें भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए, अगर कहीं आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा वीडियो को, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में सारे का नोटिफिकेशन मिले। आपका अनअकैडमी के मोमेंटम चैनल में फिर से एक बार स्वागत किया हमने, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको बिना किसी इस चैनल पर बिना किसी अमाउंट के बिना किसी उसके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आपको वन टू वन चीज़ें के कहाँ कहाँ दिक्कत आने वाली, कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। आप एक कोड यूज करिए RAJ लाइव, तो आपको अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको जैसे ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आप बेल आइकन को हिट कीजिएगा, साथ ही साथ आपको IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली या IIT कानपुर, जहां भी आपने ड्रीम किया उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन रहे, तो आप पढ़ते रहिएगा, चीज़ों को करते रहिएगा। संडे मंडे कुछ मत देखिए, आप शादी विवाह इन सब के चक्करों में भी मत पड़िए, सिर्फ 2 साल फोकस्ड होके पढ़ लीजिए, आई गारंटीड आपका सिलेक्शन 110% श्योर होगा। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का।